हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा आइडियल्स एंड फैक्टरिंग्स का चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैं आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, प्राइम आइडियल एंड मैक्सिमल आइडियल। इसकी डेफिनेशन भी दूंगी और इस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हम डिटेल में करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों देखो बेटा, प्राइम आइडियल क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो आपको आइडियल का चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, आगे का जो पहले पढ़ाया है उस। टू टाइप्स ऑफ आइडियल होती है हमारे पास, एक प्राइम आइडियल और एक मैक्सिमल आइडियल। तो प्राइम आइडियल का क्या मतलब है कि देखो, हमें दिया हुआ है आर कोई भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। अब आपको पता है हर रिंग की कम से कम दो आइडियल ज़रूर होती हैं, एक ज़ीरो रिंग और एक वो रिंग खुद अपने आप में एक अपनी आइडियल होती है। ठीक है, मुझे लेनी है प्रॉपर आइडियल। प्रॉपर आइडियल मतलब ए नॉट इक्वल टू आर, ठीक है ना। जो आइडियल है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर होती है ना, तो आपको प्रॉपर सबसेट लेना है आर का जो कि आइडियल बना रहा हो। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू आर, प्रॉपर आइडियल ऑफ आर का मतलब हो गया ए नॉट इक्वल टू आर, और वो आइडियल है अपने आप में। उस आइडियल को आप प्राइम आइडियल कब कहेंगे, जब ए बी बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए। देखो कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ए के पास है तो वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी उसी के पास है, मतलब ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, बीच में और वर्ड है। दोनों में से कोई एक इंडिविजुअल एलिमेंट जो होगा ना वो ए का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो जाएगी ना आइडियल के अंदर, तो हम उसे बोलेंगे कि वो प्राइम आइडियल है। ठीक है, इसको मैंने और एक तरीके से नीचे लिख दिया है कि आर कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग है, देन एन आइडियल ए ऑफ आर इज सेट टू बी द प्राइम आइडियल ऑफ आर इफ़ एंड ओनली इफ। देखो ये जो प्रॉपर वर्ड मैंने ऊपर था, इसको प्रॉपर वर्ड को आप यहाँ ना लिख के अलग से स्पेसिफाई करा दिया ए नॉट इक्वल टू आर, ताकि बच्चे को ये पता चल जाए कि प्रॉपर का मीनिंग क्या है। बाकी की चीज़ें सेम है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू ए है तो इधर ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो था प्रॉपर प्राइम आइडियल। अब बात करेंगे मैक्सिमल आइडियल। याद रखना, प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल दोनों भी दोनों प्रॉपर उस पर ही लगाते हैं, मतलब प्रॉपर आइडियल होती है। इसलिए इसकी भी पहली कंडीशन, मैक्सिमल आइडियल को मैं अगर एम से डिनोट करें तो एम नॉट इक्वल टू आर मीन्स एम शुड बी अ प्रॉपर आइडियल ऑफ आर। तो प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल दोनों की दोनों प्रॉपर आइडियल्स तो होती हैं रिंग की, ठीक है, और दोनों में आर कम्यूटेटिव रिंग लिया हुआ है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन थी प्राइम आइडियल में कि ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए। मैक्सिमल आइडियल का क्या मीनिंग है कि ये सबसे बड़ी, मैक्सिमल सबसे बड़ी प्रॉपर आइडियल है। तो मान लीजिए ए इज़ एनी अदर आइडियल ऑफ आर सच दैट एम उसके अंदर है, और ए आर से बाहर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि सबसे बड़ी रिंग तो आ रही है और आइडियल्स तो सबसेट ही होते हैं। तो अगर कोई और रिंग ऐसी है तो क्या होगा, या तो एम ए के बराबर होगा या ए खुद आर के बराबर होगा। मतलब एम जो है मैक्सिमल आइडियल मींस इट इज़ मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ दिस सबसेट। सबसेट्स के अंदर जो ऑपरेशन लगाई है ना आपने, इसके अंदर एम जो है सबसे बड़ा होगा। इस सबसेट के नोटेशन को बोलते हैं इंक्लूजन रिलेशनशिप, सेट इंक्लूजन। ठीक है, तो कंडीशन टू मीन्स दैट मैक्सिमल आइडियल इज एन आइडियल विच इज मैक्सिमल विद रिस्पेक्ट टू द सेट इंक्लूजन अमंग ऑल प्रॉपर आइडियल्स। तो मैक्सिमल आइडियल क्या चीज़ है, ये एक तो प्रॉपर आइडियल है और ये सबसे बड़ी प्रॉपर आइडियल होगी, ये मीनिंग है। मैं आपको ना डायग्राम बना के दिखा भी दूंगी जेड के अंदर कि ये कैसे सबसे बड़ी आइडियल होती है। सबसे बड़ी आइडियल नहीं, सबसे बड़ी प्रॉपर आइडियल है। एग्जाम्पल्स देखो बेटा, ट्रिवियल आइडियल जो है ना आपकी जीरो इन द रिंग ऑफ इंटीजर, ये प्राइम आइडियल होती है। क्यों होती है, देखो एक तो जीरो जो है प्रॉपर आइडियल तो है ही, ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे छोटी आइडियल है। इंटीजर्स के पास तो बहुत सारे इंटीजर हैं, मैंने तो सिर्फ जीरो की बात करी, तो जीरो इज नेचुरली अ सबसेट ऑफ जेड, तो जीरो प्रॉपर आइडियल तो बना ही देगा। आपको ये भी पता है कि जेड की जितनी भी आइडियल्स हैं वो मल्टीपल्स की फॉर्म की होती है, एन जेड फॉर्म की होती है। ठीक है, अब आपने ए बी दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो जीरो का एलिमेंट लिया, मुझे शो करना है या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा, तभी बनेगा ना आइडियल, प्राइम आइडियल। तो मैंने बनाया ए बी बिलोंग्स टू ज़ीरो, ज़ीरो आइडियल। तो इसका मतलब ज़ीरो आइडियल के अंदर तो एलिमेंट ही एक अकेला ज़ीरो है, तो इसका मतलब ए बी क्या है, ज़ीरो है। अगर ए बी ज़ीरो है तो आपको पता है जेड जो है इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन जो होता है फ्री फ्रॉम ज़ीरो डिवाइज़र होता है, और हर वो चीज़ जो फ्री फ्रॉम ज़ीरो डिवाइज़र है वो ये कहती है कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ ज़ीरो। तो या तो ए ज़ीरो हो जाएगा या बी ज़ीरो हो जाएगा। अगर ए ज़ीरो है तो ए बिलोंग्स टू ज़ीरो आइडियल, और बी ज़ीरो होगा तो बी बिलोंग्स टू ज़ीरो आइडियल। यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना।
कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए, और ए इसमें क्या था, जीरो था। तो इससे मुझे पता चल गया कि जीरो इज द प्राइम आइडियल इन इंटीजर्स इन सेट। ठीक है, अब मैं शो करती हूँ कि जीरो मैक्सिमल आइडियल नहीं है। ठीक है, मैक्सिमल होती तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर आइडियल होती। ठीक है, बट जेड के पास तो बहुत सारी आइडियल्स हैं, इसकी जितनी भी आइडियल्स हैं वो किस फॉर्म की है, एन जेड फॉर्म की है। ठीक है ना, तो मैंने ले ली सपोज सिक्स जेड, कोई बच्चा कोई और भी ले सकता था, मैंने सिक्स जेड ले ली, लेट सिक्स जेड बी एनी आइडियल ऑफ जेड। तो आपको पता है सिक्स जेड क्या होगी, जिसके पास ऑल मल्टीपल्स ऑफ सिक्स होंगे, और जीरो आइडियल क्या है, जिसके पास सिर्फ जीरो है। तो नेचुरल सी बात है जीरो इज कंटेन्ड इन सिक्स जेड, इज कंटेन्ड इन जेड, तो मैंने यही लिया हुआ था ना, एम कंटेन्ड इन ए कंटेन्ड इन आर। तो अगर जीरो सिक्स जेड के बराबर आ जाए या सिक्स जेड जेड के बराबर आ जाए तो जीरो जो है आपका मैक्सिमल आइडियल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। बट आपको पता है ना तो जीरो सिक्स जेड के बराबर है और ना ही सिक्स जेड जेड के बराबर है, क्योंकि सिक्स जेड के पास तो सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ जेड है और जेड के पास सारे इंटीजर हैं। तो सेवन एक ऐसा इंटीजर है जो सिक्स जेड में नहीं है, कोई और एग्जाम्पल भी आप ले सकते थे। तो सिक्स जेड जेड के बराबर नहीं है और जीरो भी सिक्स जेड के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि सिक्स जेड के पास मल्टीपल्स ऑफ सिक्स बहुत सारे हैं। आप यही देख सकते हो सिक्स जेड इनफाइनाइट है और जीरो फाइनाइट है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब जीरो इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड। ठीक है, तो मुझे पता चला रिंग ऑफ इंटीजर्स के पास जो ये जीरो आइडियल थी, ये प्राइम आइडियल तो है बट ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। चलिए अब आ जाइए फिर दोबारा से इंटीजर्स की बात करते हैं। अब जनरल रिजल्ट निकालते हैं कि इसके पास जो अगर एन कोई भी एक इंटीजर ग्रेटर देन वन है, तो इसकी जितनी भी आइडियल्स होती हैं वो एन जेड फॉर्म की होती हैं, मतलब मल्टीपल्स ऑफ एन, यानी कि जनरेटेड बाय एन। तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ये प्राइम आइडियल कब होगी, अभी अभी आपने देखा कि ये प्राइम आइडियल नहीं आ रहा था, सिक्स जेड टाइप चीज़ें जो भी हैं। एन जेड इज़ अ प्राइम आइडियल ऑफ जेड इफ़ एंड ओनली इफ एन इज़ प्राइम, मतलब प्राइम नंबर से जनरेट होने वाली जो आइडियल्स होंगी वो प्राइम आइडियल होंगी, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो मैंने पहले ले लिया लेट एन बी प्राइम, अगर प्राइम है तो मुझे शो करना है एन जेड जो है प्राइम आइडियल है। तो प्राइम आइडियल के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट लो एन जेड के अंदर और शो कर दो कि ईदर ऑफ द टू एलिमेंट बिलोंग्स टू एन जेड, यही होगा ना। तो मैंने लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू एन जेड। अब प्राइम आइडियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे शो करना है या तो ए एन जेड का एलिमेंट है या फिर बी एन जेड का एलिमेंट है। तो देखिए हम करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू एन जेड है, इसका मतलब ए बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ एन, तो मैंने मल्टीपल ऑफ एन है तो इसका मतलब एन इंटू सम इंटीजर फॉर्म का है, तो मैंने एन इंटू टी ले लिया, वेयर टी बिलोंग्स टू जेड। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए बी इक्वल टू एन टी, इसका मतलब एन डिवाइड्स ए बी। रिकॉल कीजिए डिवीजन की क्या डेफिनेशन होती है, ए डिवाइड्स बी इफ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल टू ए इंटू सम एलिमेंट ऑफ जिस भी रिंग की बात कर रहे हो। ठीक है, मैं इंटीजर्स की बात कर रही हूँ तो सम इंटीजर आ जाएगा, तो मेरा ए बी इज इक्वल, ये आ गया ना, ए बी इज इक्वल टू एन इंटू समथिंग, तो इसका मतलब एन डिवाइड्स ए बी। अब एन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि पी डिवाइड्स ए बी इम्प्लाइज पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी, तो एन या तो ए को डिवाइड करेगा या बी को करेगा। अगर एन ए को डिवाइड करेगा इसका मतलब ए इज इक्वल टू एन इंटू सम इंटीजर, और ए एन अगर बी को डिवाइड करेगा इसका मतलब बी इज इक्वल टू एन इंटू सम इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू एन इंटू सम इंटीजर, मतलब मल्टीपल ऑफ एन, तो ए अगर मल्टीपल ऑफ एन है तो एन जेड का एलिमेंट है, बी अगर मल्टीपल ऑफ एन है तो बी एन जेड का एलिमेंट है। तो इसका मतलब एन जेड जो बन गया मेरा क्या बन गया, प्राइम आइडियल। यही प्रूफ करना था ना मेरे को कि ये देखो, मुझे यही प्रूफ करना था ना कि ए बी बिलोंग्स टू एन जेड है तो ए बिलोंग्स टू एन जेड आना चाहिए या बी बिलोंग्स टू एन जेड आना चाहिए, मैंने शो कर दिया। तो इसका मतलब अगर एन प्राइम है तो ये एन जेड प्राइम आइडियल है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक रिजल्ट याद कर लेना कि रिंग ऑफ इंटीजर्स की प्राइम की आइडियल्स किस फॉर्म की होती हैं, एन जेड फॉर्म की होती हैं, और उसमें अगर एन प्राइम हो तो वो प्राइम आइडियल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, कन्वर्स करेंगे लेट एन जेड बी या प्राइम आइडियल, मैं शो करूंगी एन प्राइम है। ठीक है, मैंने कहा सपोज कर लो एन प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है तो क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट है तो इसका मतलब एन कैन बी रिटन एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, तो एन को हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से एस एन टी। अब ये एस एन टी क्या होंगे, दोनों एन से तो छोटे होने चाहिए तभी एन जो है मल्टीपल ऑफ दीज टू लिखा जाएगा, और वन से बड़े लेने हैं। ठीक है, अब देखो क्लियरली एन बिलोंग्स टू एन जेड बिकॉज एन कैन ऑलवेज बी रिटर्न एज एन इंटू वन, अगर ये एन इंटू वन है मल्टीपल ऑफ एन बन गया तो ये एन जेड का एलिमेंट बन गया।
अब एन इक्वल टू एस टी है, तो एन की वैल्यू डाल दी मैंने एस टी, तो एन बिलोंग्स टू एन जेड था तो एस टी बिलोंग टू एन जेड आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब एस टी बिलोंग टू एन जेड आ गया, और एन जेड क्या है, प्राइम आइडियल है, ठीक है ना, प्राइम आइडियल है। तो इधर एस बिलोंग्स टू एन जेड और टी बिलोंग्स टू एन जेड, ये प्राइम आइडियल की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया बच्चों यहाँ पे। तो या तो एस एन जेड में आ जाएगा या टी एन जेड में आ जाएगा। तो इसका मतलब या तो एस मल्टीपल ऑफ एन है या फिर टी मल्टीपल ऑफ एन है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि आपने यहाँ क्या लिया हुआ है, एस और टी दोनों एन से छोटे हैं, जब एन से छोटे हैं तो इनका मल्टीपल कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एस एन टी कैन नॉट बी द मल्टीपल्स ऑफ एन, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब मेरी एजम्पशन रॉन्ग है। मेरी एजम्पशन थी कि एन प्राइम नहीं है, तो वो गलत हो गई मेरी एजम्पशन, तो एन क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं एक्सरसाइज का बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रही हूँ। फाइंड ऑल मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ जेड एट, जेड टेन, जेड इलेवन, सॉरी जेड ट्वेल्व और जेड एन, और जेड 36 भी एक, ठीक है, किसी एक का सीख लो, सारे आ जाएंगे करने। देखो जेड एट, पहले जो पहला पार्ट कराऊंगी ना उसमें तो मैं सारी रीजनिंग आपको दे रही हूँ, फिर एक शॉर्टकट उस तरीके से बता दूंगी कि कैसे निकालना है, फिर वो याद कर लेना, एग्जाम बस उसी से कराना, ठीक है। देखो हमें पता है कि मैक्सिमल आइडियल है तो वो अपने आप में आइडियल तो होगी होगी, और आपको पता है आइडियल जो होती है हमेशा ही एक सब रिंग होती है, सब रिंग है तो वो अपने आप में एक रिंग है, रिंग है तो वो प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप बनाएगी, एबिलियन ग्रुप बनाएगी। और दूसरा आइडियल क्या होती है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रिंग होती है, तो इसका मतलब आइडियल अपने आप में ग्रुप है और नॉन एम्प्टी सबसेट है मेन ग्रुप का, तो इसका मतलब आइडियल सब ग्रुप है, ठीक है। अगर आइडियल सब ग्रुप है तो आपको पता चला कि जेड एट की जितनी आइडियल्स होंगी वो अपने आप में ग्रुप बनाएंगी, ठीक है। और आपको ये बात भी पता है कि जेड एट जो है एक साइक्लिक ग्रुप है, ये आपने ग्रुप थ्योरी में बहुत काम किया है कि जेड एन इज़ अ साइक्लिक ग्रुप, और ये भी करा है साइक्लिक ग्रुप की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या होती है, कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, तो एवरी सब ग्रुप ऑफ जेड एट इज ऑल्सो साइक्लिक। तो आइडियल क्योंकि सब ग्रुप है तो इसकी हर आइडियल जो बनेगी ना जेड एट की वो साइक्लिक होगी, साइक्लिक मीन्स जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, ठीक है। और कैसे निकलते हैं वो सब ग्रुप्स जेड एन के, ये सारे ग्रुप थ्योरी के रिजल्ट्स हैं बच्चों, कि सब ग्रुप्स ऑफ जेड एन कैसे मिलते हैं। अब तो रिजल्ट याद कर लेना, अगर याद नहीं है तो आपको बाकी ग्रुप थ्योरी में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। सब ग्रुप्स ऑफ जेड एन आर ऑफ द फॉर्म एन बाय के, वेयर के इज एनी डिवाइजर ऑफ एन, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या होता है, के ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एन बाय के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब इतनी लंबी थ्योरी ऊपर की समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो फिलहाल आप निकालने का तरीका सीख लें कि जेड एट की कितनी आइडियल्स हैं और उनके क्या क्या एलिमेंट है, वो कैसे निकलता है। जैसे जेड एट है ना, पहले एट के डिवाइजर्स निकालो, तो एट को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 8 जै 8 होता है, 2 4 जै 8 होता है, 4 2 जै 8 होता है, और 8 8 जै 8 होता है, 8 1 जै 8 होता है। तो के की क्या वैल्यूज आ गई, 1 2 4 8। तो मैंने कहा कि इसकी जो आइडियल्स है वो किस फॉर्म की है, एन बाई के, एन क्या है 8 और के ये जो आपने निकाले, तो 8 बाय 1, 8 बाय 2, 8 बाय 4 और 8 बाय 8, इस ये तो इसकी आइडियल्स निकल कर आ गई। 8 बाय 1 का मतलब 8, 8 का खुद का मतलब होता है 0 एलिमेंट, ठीक है ना। जेड एट के अंदर 8 का क्या मतलब है, 8 को 8 से डिवाइड करके टेक द रिमाइंडर यू गेट 0, तो 0 है। 8 बाय 2 मतलब 4, 8 बाय 4, 4 2 जै 8 होता है तो 2, 8 बाय 8 मतलब 1। और मैंने ये भी बताया कि एन बाय के हो तो ऑर्डर होता है के, तो ये जो नीचे लिखा हुआ एलिमेंट है ना 1 2 4 8, ये ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो जैसे इसमें 1 आया ना तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, तो वो कौन सा एलिमेंट है, 0 एलिमेंट। कैसे पता चला कि एक ही एलिमेंट आएगा, देखो 0 है, 0 से जनरेट होना मतलब 0 के मल्टीपल्स ले लो, देखो 8 इंटू 0, 8 इंटू 1, 8 सॉरी 0 इंटू 1, 0 इंटू 2, 0 इंटू 3, तो क्या आएगा एलिमेंट, 0 ही आ जाएगा ना। ये ऐसे लिखना है आपको, 0 से जनरेट करना है तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 2, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 0 ही आ जाएंगे ना। लिख के दिखा देती हूँ, 0 इंटू 1, 0 इंटू 2, 0 इंटू 3, इस तरीके से एलिमेंट लोगे तो सारे एलिमेंट 0 के बराबर है, तो एक अकेला एलिमेंट आ गया 0। अब 8 बाय 2 का मतलब 4, और इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा, ये जो नीचे वाला नंबर है वो ऑर्डर है 2, तो यानी कि 2 ही एलिमेंट आके रह जाएंगे। तो देखो कैसे आएंगे, 4 के मल्टीपल्स लो, 4 इंटू 0, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, अब 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आ जाएगा ना। अब जेड 8 के अंदर 8 का क्या मतलब है, 0,
क्यों है जीरो? क्योंकि जब आप 8 को 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है? तो मेरे पास एलिमेंट आ गए 0 और 4। ऐसे ही 8 बाय 4 किसके बराबर है? 2। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 लो, जनरेटेड बाय 2 है ना, तो मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। कैसे पता चलेगा कि कब एलिमेंट रिपीट होने शुरू हो गए? ये देखो ऑर्डर कितना है, 4, तो शुरू के 4 एलिमेंट निकाल देना, उसके बाद अपने आप रिपीट होगा। देख भी सकते हो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, वो जो फिर से 0 आ जाएगा। तो मेरे एलिमेंट आ गए 0 2 4 6। ऐसे बेटा 8 बाय 8 के एलिमेंट निकालो। 8 बाय 8 होता है 1, तो 1 के मल्टीपल लो, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3। ऐसे कब तक चल सकता है? 7 तक चलेगा, 1 इंटू 8 होते ही 8 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट आ गए, तो ये क्या आ गया? अपने आप में Z8 आ गया, ठीक है? तो आपने देखा कि ये देखो 0 4 4 का भी एलिमेंट था और 0 4 2 का भी एलिमेंट है। सो 2 इज अ सबसेट ऑफ 4, देख रहे हो? ओ सॉरी, 4 इज अ सबसेट ऑफ 2, क्लियर? 8, 8 के पास एलिमेंट है 0, 0 एलिमेंट इसके अंदर भी आ रहा है, तो 8 इज अ सबसेट ऑफ 4 एंड 2 एंड 1, ठीक है? तो 0 सबसे छोटी वैल्यू हुई, तो इसका लैटिस बना के देखो, रिप्रेजेंट करके देखो, सबसे छोटा 0, सबसे ऊपर सबसे बड़े वाला 1, और नीचे क्या था? 4 और फिर 2। देख लेना, ऑर्डर से ही पता चल जाएगा कि कौन किसका सबसेट है। इस वाले का ऑर्डर था 2, ठीक है? इसका ऑर्डर था 1, इसका 2 का ऑर्डर आया था 4, और 1 का ऑर्डर आया था 8। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट 1 के पास थे जो ऊपर चला गया, उससे कम 2 के पास थे तो वो नीचे है, ऑर्डर 2 4 के पास और कम थे तो वो नीचे है, और सब एक दूसरे के सबसेट थे इसलिए एक के ऊपर एक लाइन लग के आ गए। अब आप इसमें देखो सबसे बड़ी आइडियल कौन सी है? कहने को तो सबसे बड़ी आइडियल 1 है, पर 1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर आइडियल लेनी है, मैक्सिमल आइडियल, क्योंकि प्रॉपर आइडियल होती है। तो प्रॉपर आइडियल सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये 2। सो 2 इज द मैक्सिमल आइडियल हेयर, ठीक है बच्चों? समझ आ गया? अब देखो मैंने एक क्वेश्चन जेड का पूरा सिखाया, जेड एन का। अब बाकी के क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? देखो Z 10 है ना, तो n तो हो गया 10। पहले 10 के डिवाइजर्स निकाल लो। 10 के डिवाइजर कौन होंगे? 1 2 5 और 10। तो इसकी आइडियल्स क्या होंगी? n बाय k फॉर्म की होंगी, और उनका ऑर्डर क्या होगा? k होगा, नीचे वाला एलिमेंट उनका ऑर्डर होगा। तो इसके अंदर वैल्यू डालो, देखो n की जगह 10 डाल दिया और k की वैल्यू डालते जाओ, तो 10 बाय 1, 10 बाय 2, 10 बाय 5 और 10 बाय 10। तो 10 बाय 1, 10 बाय 2, 10 बाय 5 और 10 बाय 10 आ गया, ठीक है? अब इनका ऑर्डर क्या होगा? देखो इसका ऑर्डर होगा 1, इसका ऑर्डर होगा 2, जो नीचे वाला एलिमेंट है वो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 5 और इसका ऑर्डर है 10, ठीक है? अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसे कैसे रिलेशन होल्ड करेगा। तो देखो 10 बाय 2 मतलब 5, तो यानी कि 5 के मल्टीपल्स लेने हैं, 5k, फिर k बिलोंग्स टू Z10, ठीक है? तो 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5। आपको पता है ऑर्डर 2 है, तो इसके बाद रिपीट होंगे, नहीं भी तो देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि 0 1 और उसके बाद क्या डालेंगे? 2, तो 5 2 10 आ जाएगा, जब 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर लेंगे तो 0, ठीक है? फिर नेक्स्ट डालेंगे तो 15 आएगा, 15 को 10 से डिवाइड करो, टेक द रिमाइंडर, आपके पास 5 आ जाएगा। तो इसी के अंदर एलिमेंट सर्कुलेट होता जाएगा, ठीक है? ऐसे ही बेटा इसके एलिमेंट भी निकाल सकते हो, 2 के भी और 1 के भी। तो अब इसका लैटिस बनाएंगे तो क्या होगा? सबसे छोटा नीचे 0, सॉरी। नेक्स्ट बेटा क्या आएगी? और क्या है हमारे पास आइडियल्स? ये देखो 0 2 5 और 1। अब 2 और 5 एक दूसरे का सबसेट नहीं है, आप देख सकते हो। 5 के पास एलिमेंट है 0 5, 2 के पास एलिमेंट है 0 2 4 6 से। सो 2 एंड 4 5 जो है एक दूसरे का सबसेट नहीं है, इसलिए दोनों को एक ही पोजीशन पे रखा, 2 को और 5 को दोनों को सेम पोजीशन पे रख लिया। अब 2 और 5 दोनों के एलिमेंट 1 के अंदर तो आ रहे थे, ये देखो 2 के भी आ गए और इसके भी आ गए, 5 के भी आ गए, तो इसके पास सारे एलिमेंट आ गए, ये सबसे ऊपर आएगा 1। याद रखना 0 सबसे नीचे आता है, 1 सबसे ऊपर आता है, बीच में आप देख लिया करो, अगर कॉमन होंगे मतलब जिनका जीसीडी 1 होगा तो अलग अलग आ रहे होंगे, और जीसीडी सेम होता है तो एक दूसरे का इंक्लूजन रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है? तो 2 ये बन गया। अब इसमें देखो मैक्सिमल आइडियल कौन हो गए? मैक्सिमल मतलब जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ऊपर होगा। अब सबसे ऊपर तो 1 है, बट 1 इज नॉट प्रॉपर, ठीक है ना? मुझे तो प्रॉपर आइडियल चाहिए, तो 1 से नीचे जो भी होगी ना वो आपकी मैक्सिमल आइडियल बनाएंगे। तो 2 और 5 दोनों मैक्सिमल आइडियल्स हो गई, क्लियर है? अब ये मत सोच लेना कि मैक्सिमल आइडियल है
टू के पास कम एलिमेंट है, फाइव के पास ज़्यादा एलिमेंट है, तो मैडम मैक्सिमल कैसे हुई? मैक्सिमम जो है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन रिलेशनशिप है। इंक्लूजन मतलब ये सबसेट वाला रिलेशनशिप है, ठीक है? तो इंक्लूजन रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में वो जो है मैक्सिमल होना चाहिए, क्लियर? और देखिए, अब मैंने यहाँ पर ना आपके लिए इसको जनरलाइज कर दिया और आसान कर रही हूँ इस काम को करने का तरीका। देखो जेड एन है, इसकी जो आइडियल्स होंगी वो एन बाई के फॉर्म की होंगी और उसका ऑर्डर के होगा, जहाँ पे के क्या है, डिवाइजर ऑफ एन है। अब इसमें से मैक्सिमल आइडियल कौन सी होंगी? मैक्सिमल आइडियल वो होंगी जो प्राइम नंबर से जनरेट होगी, ठीक है? तो जो प्राइम नंबर के, जहाँ पर आपके पास प्राइम होगा ना, वो बनाएगा आपको मैक्सिमल आइडियल। तो मैंने लिख दिया है मैक्सिमल आइडियल्स आर जनरेटेड बाय द प्राइम डिवाइजर ऑफ एन, ठीक है? तो अब अगर जल्दी जल्दी काम करना है, कंपटीशन एग्जाम्स में हो, तो आप क्या करोगे, जैसे Z12 है ना, तो इसके के निकाल लो, मतलब डिवाइजर्स निकाल लोगे, 1 2 3 4 6 12, इसमें से प्राइम उठा लो, नंबर प्राइम नंबर टू, प्राइम नंबर क्या है, थ्री, फोर भी प्राइम नहीं है, सिक्स भी प्राइम नहीं है, 12 भी प्राइम नहीं है, तो टू और थ्री से जो आइडियल जनरेट हो रही होगी वो मैक्सिमल होगी। देखो लास्ट का आंसर क्या आ रहा है, ये देखो टू और थ्री से जो जनरेट हो रही है ना, ये टू और एंड थ्री, ये जो प्राइम आइडियल नहीं, मैक्सिमल आइडियल लिखना था, आर मैक्सिमल आइडियल्स, ये बनेंगी मैक्सिमल आइडियल्स, ठीक है, जो प्राइम नंबर से बन रही है, क्लियर? ये शॉर्टकट बता दिया आपको, कंपटीशन एग्जाम में हो तो इससे कर लेना, नहीं तो निकालने का तरीका आपको पता ही है। Z12 है, पहले n की वैल्यू 12 हो गई, k निकाल लिया इसके जितने भी डिवाइजर्स हैं, फिर n बाय k निकाला, n बाय k क्या होगा, 12 बाय 1, 12 बाय 2, 12 बाय 3, इनको सॉल्व कर लो, ये सब आ गया। अब चाहो तो इनका ऑर्डर आपको मालूम है, एलिमेंट्स निकालने, एलिमेंट्स निकाल लो, ठीक है? नहीं तो इनमें से जो प्राइम वाले होंगे ना, वो आपका क्या बनाएंगे, मैक्सिमल आइडियल बनाएंगे। इसका लैटिस देखो मैंने कैसे बनाया, देखो इसको लैटिस डायग्राम बोलते हैं, सबसे नीचे 0, सबसे ऊपर 1। अब देखो फैक्टर्स बनाते चले जाना, जैसे 0 है, 4 और 6, जितने भी ये थे ना के, उन सब से जो बन रहा था एन बाई के, वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब 4 और 2 के अंदर जो है कॉमन एलिमेंट है, इसलिए 4 से ऊपर 2 आ गया, ठीक है? 6 और 3 में कॉमन एलिमेंट है, इसलिए 6 से ऊपर 3 आया। अब 4 और 6 दोनों का कॉमन एलिमेंट 2 था, इसलिए 4 और 6 से ये दोनों अटैच हो गए, ठीक है? 2 से ये दोनों नंबर अटैच हो गए, क्लियर हो गया? ऐसे 2 और 3 दोनों फाइनली किससे अटैच हो जाएंगे, 1 से अटैच हो जाएंगे। तो ये इसका लैटिस डायग्राम आ गया, ठीक है? जो भी कॉमन एलिमेंट रखता होगा ना, वो अपने से ऊपर वाले से अटैच हो जाएगा, क्लियर? और नीचे कौन सा आएगा उसको देखने के लिए ऑर्डर का इस्तेमाल कर लो, नीचे कौन सा होगा ऊपर कौन सा होगा उसको देखने के लिए ऑर्डर का इस्तेमाल कर लो, ठीक है? उससे आपको पता चल जाएगा कि वो उसके एलिमेंट उसके अंदर ही है। नेक्स्ट देखो, Z36 की मैक्सिमल आइडियल निकालनी है। अब अगर छोटा सा जल्दी से काम करना है, तो पहले 36 के निकाल लो, डिवाइजर्स निकाल लो, निकाल लिए। अब इसमें से प्राइम देखो कौन सा है, 2 3 और कौन सा है, कोई भी नहीं है, तो 2 और 3 आएंगी मैक्सिमल आइडियल्स इसकी, ठीक है ना? तो अब निकालने का तरीका वही, एन बाई के किया, एन बाई के करके निकाल लो। इनका ऑर्डर मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये पता चल जाए कौन सा नीचे आएगा कौन सा ऊपर आएगा, ठीक है? अब देखो इसका लेटेस्ट मैंने सारों का लिख दिया है यहाँ पे, ये लिख लो, आप स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, ठीक है, इसका भी ले लो, क्लियर? अब बनाओ देखो लेटेस्ट, इसका सबसे नीचे 0, सबसे ऊपर 1, ठीक है? फिर देखो 12 और 18 का जीसीडी, कॉमन जीसीडी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ क्या है, 6, तो 6 से कनेक्ट हो गए, ठीक है? अब 12 से ऊपर, 12 और 4 के अंदर भी कॉमन एलिमेंट है, तो इसलिए 4 इसके ऊपर कनेक्ट होगा, 6 और 12 में भी कॉमन एलिमेंट है, तो ये इससे भी कनेक्ट होगा। ऐसे 18 जो है कॉमन एलिमेंट है 6 के साथ, तो 6 से कनेक्टेड है, 18 कॉमन एलिमेंट 9 के साथ रखता है, 9 2 18 होता है, तो इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है? ऐसे 6 और 9 का जीसीडी 3 होता है, तो ये दोनों मिलकर 3 बनाएंगे, 6 और 4 का जीसीडी 2 है, तो ये दोनों मिलकर 2 बनाएंगे, ठीक है? ऐसे करके पूरा लैटिस बन गया। अब इसमें देखो मैक्सिमल आइडियल कहाँ मिलेगी, सबसे ऊपर जो होती है, ठीक है, 1 के नीचे होनी चाहिए और वैसे सबसे ऊपर होगी, ठीक, प्रॉपर आइडियल लेनी है। तो 2 और 3 क्या बनाएंगी आपकी, मैक्सिमल आइडियल्स, क्लियर है? समझ आ गया सब बच्चों को निकालने का तरीका, मैं लिख देती हूँ, 2 एंड 3 आर मैक्सिमल आइडियल्स, क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा लिखा हुआ था।
तो ये मैंने आपको जेड के ऊपर काम करा दिया। अब एग्जाम्स में करने के लिए सीधी बात याद रखनी है कि पहले आपको डिवाइज़र निकालने हैं के, फिर एन बाय के निकालना है, ठीक है। एन बाय के निकाल कर ये देख लिया करो जो के जहाँ पर प्राइम होगा, ठीक है, जो भी आइडियल्स बनी है एन बाय के निकालने के बाद जो प्राइम नंबर से जनरेट हो रही होंगी वो वाली आइडियल आपकी मैक्सिमल आइडियल होगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सब बच्चों को? तो बच्चों ये वाला लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़े से और एग्जांपल्स कराऊंगी और कुछ थ्योरम्स भी कराऊंगी प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।